देख रहे हैं एबीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस में सीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सहारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बैंक पर राशि भुगतान नहीं करने का आरोप। सहारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कार्यालय लांजी में जमा कराई गई राशि वापस दिलवाई जाए, किशोर हरडे। नगर परिषद लांजी अंतर्गत वार्ड नंबर 15 निवासी किशोर हरडे ने बालाघाट कलेक्टर से शिकायत कर बताया कि सहारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी में एजेंट का कार्य वर्ष 2012 से 2020 तक किया तथा समयावधि में मेरे द्वारा हितग्राही अशोक हरडे से सहारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शाखा लांजी में फिक्स डिपॉजिट खाते में राशि जमा कराया गया, जिसकी मैच्योरिटी 23 सितंबर 2021 को अवधि पूर्ण हो चुकी तथा हितग्राही अशोक हरडे से सहारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रकम डलवाया था, उसकी मैच्योरिटी अवधि पूर्ण हो चुकी है तथा वह अपनी राशि सहारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से वापस दिलाने के लिए परेशान करते, तब मैं सहारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कार्यालय लांजी में अशोक हरडे की मैच्योरिटी राशि को वापस कराने के लिए जाता हूँ तो अनावेदकों के द्वारा मुझे परेशान किया जाता है। मुझे कहा जाता है कि आप जितनी राशि मैच्योरिटी में लेना चाहते हो उससे दोगुनी राशि आपको जमा करनी होगी, तब ही आपके हितग्राही अशोक हरडे की राशि का भुगतान किया जा सकेगा। और इतना ही नहीं, कार्यालय में मुझसे द्वेष ईर्ष्या रखकर व्यवहार किया जाता है तथा मेरे द्वारा सहारा का काम नहीं करते कहकर तुम्हारे हितग्राही के खाते की राशि वापस नहीं कर सकते, तुमसे जो बनता है कर लो, ऐसा कहा जाता है तथा सहारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय लांजी में मेरे एजेंट काल में हितग्राही अशोक हरडे की जमा कराई गई राशि जिसकी समयावधि मैच्योरिटी हो चुकी है उस राशि को कार्यालय से वापस हितग्राही अशोक हरडे को दिलवाने के लिए मेरे द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय व अनुविभागीय अधिकारी लांजी पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट श्री अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लांजी को दिनांक 25 नवंबर 2021 को मेरे द्वारा ज्ञापन सौंप कर न्याय की गुहार लगाई गई है। मैडम आपका परिचय? मैं मनसा नारंग, लांजी फ्रेंचाइजी से। किस पद पर है यहाँ पर सहारा इंडिया लिमिटेड? मैं विगत 6 माह से फ्रेंचाइजी मैनेजर प्रभारी के रूप में। जी मैडम, जैसे देखा जा रहा है आप किशोर कुमार हरडे लांजी निवासी जो है जिनने शिकायत किए हैं, तो क्या आपके परिवार में काम कर चुके हैं सहारा परिवार में? ये 2012 से सहारा इंडिया में काम कर रहे थे विगत 2020 तक के, जो नियमित काम करते रहे, लेकिन कोरोना महामारी के बाद से इनने अपना पूरा काम करना बंद कर दिया है। इन्होंने मैडम शिकायत किए हैं कि हमारा पैसा नहीं मिल रहा है सहारा इस परिवार से, तो इन्हें कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, SDM महोदय, तहसीलदार महोदय और SDOP महोदय के पास शिकायत किए हैं, तो क्या है मैडम ये मामला? देखिए, सहारा इंडिया में कोरोना महामारी के कारण 2020 से और सेबी सहारा सेबी विवाद के कारण अभी हमारे यहाँ भुगतान की प्रक्रिया को लगभग ऐसा कर दिया गया है कि जो भी कलेक्शन हमारे पास में आता है हम उसके बदले 70% 75% का भुगतान करते हैं। लेकिन इसी बीच किशोर हरडे एक दिन मेरे ऑफिस में लगभग 2 बार वो आ चुके और भुगतान के लिए मांग की। विगत 2 माह पहले उनके भुगतान की अवधि पूरी हुई है। जैसे कि संस्था का नियम है कि लगभग 45 दिन के बाद हमारे यहाँ डिमांड होती है और उसके बाद पैसा यदि कार्यकर्ता के पास कलेक्शन है तो उसके बदले उसको 70% पेमेंट किया जाता है। अब हमारे पास क्योंकि फंड की व्यवस्था न होने की वजह से हम लोगों ने अभी जैसे कि इंदौर में भी सहारा सेवी का घेराव भी किया था, लेकिन उस बीच में किशोर हरडे ने आकर के ऑफिस में आकर के बहुत हंगामा भी मचाया और साथ में मुझे धमकी देने लगा कि मैं पेट्रोल डालकर आग लगा दूंगा। इसी तूतू मैं को लेकर के उसने मुझे धमकी दिया कि मैं आपसे जो बनता है कर लीजिए, आप देखिए मैं आपकी कंप्लेंट कलेक्टर को करता हूँ। तो आपने उसकी शिकायत किए थे मैडम? नहीं, मैंने उसकी शिकायत इसलिए नहीं की क्योंकि वो भी मेरे परिवार का सदस्य ही है। मुझे लगा कि ये गुस्से में आकर के शायद मुझसे ये बात कह के जा रहा है, इसलिए मैंने इसकी शिकायत ना मैंने पुलिस में करी। मैडम, उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि उनके हितग्राही
ते उनकी मैच्योरिटी अवधि पूर्ण होने के बाद में भी राशि नहीं दी जा रही है। जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि पिछले 2000 जून 2020 से कोरोना महामारी और सहारा से भी विवाद के कारण सहारा इंडिया पर एम्बार्गो लगा हुआ है, जिससे कि हमको फंड की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो मैडम, जितने हितग्राही हैं जिनके पैसे जमा है, क्या इनको सहारा इंडिया कंपनी जो है आपकी, उनसे पैसे वापस मिलेंगे? 100% पैसे वापस होंगे जैसे ही हमारा एम्बार्गो खत्म होता है। माननीय प्रबंधन का आदेश है कि 16 से 17 महीने के अंदर सारे हितग्राहियों का भुगतान ब्याज सहित कर दिया जाएगा। जैसे आपने बताया मैडम कि किशोर कुमार हरडे हमारे परिवार का है, तो उनने एक आरोप भी लगाए हैं कि इन लोगों के द्वारा मेरे से द्वेष व ईर्ष्या रख करके काम करवाया जाता है। मैं ऑफिस में जब भी जाता हूँ तो मेरे को धमकी भरे लफ्जे से बात करते हैं। सहारा इंडिया परिवार एक ऐसा परिवार है जहाँ पर किसी भी कार्यकर्ता के साथ में न तो कोई द्वेष रखा जाता है, न किसी प्रकार की कोई दुर्भावना रखी जाती है। वो भी हमारे ही परिवार का सदस्य है। ये है कि परिस्थितियों के अनुसार सबकी मानसिकता अलग अलग हो चुकी है, और मैं जिस पद पर बैठी हूँ, आज मैं प्रभारी हूँ, और प्रभार के रूप में यदि वो मुझसे, अगर मैं एक महिला हूँ और महिला से यदि कोई अपशब्द बोलता है, अभद्रतापूर्ण व्यवहार करता है, तो आप ये बताइए कि क्या उसका जो मेरा प्रत्युत्तर होगा। तो उसका अगर वो अनावश्यक अर्थ निकाल रहा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैडम, इसके बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे जो शिकायत की है? शिकायत के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि किशोर हरडे हो या कोई भी जमा करता हो, उसका भुगतान आने वाले 16 से 17 माह में, जैसा कि प्रबंधन का आदेश है, 12 अक्टूबर को हमारे यहाँ एक आदेशित किया गया है प्रबंधन से कि जितनी भी लायबिलिटियाँ हैं वो 16 से 17 महीने के अंदर खत्म कर दी जाएंगी, दे दी जाएंगी। इसलिए हम लोग अभी किसी भी प्रकार की फंड की कोई व्यवस्था न होने के कारण भुगतान करने में असमर्थ हैं, और जितनी जल्दी हो सके मेरी भी अपेक्षा है कि सारे जमाकर्ता इस बात का धीरज और धैर्य बांध के रखें कि आपका सारा पैसा आपको ब्याज सहित लौटा दिया जाएगा। थैंक यू। क्या आपका परिचय क्या है? मैं किशोर कुमार हरडे हूँ। 2012 से 2020 तक सहारा इंडिया परिवार लांजी में एजेंट के रूप में कार्यरत था। मेरे द्वारा, मेरे भाई हितग्राही अशोक कुमार हरडे द्वारा 34,500 रुपया आज से 5 साल 4 महीना पहले जमा किया था डबल करने के लिए, जिसकी मेच्योरिटी 23/9/2021 को हो चुकी है। सहारा इंडिया प्रबंधक लांजी द्वारा झूठ पे झूठ बोला जा रहा है कि किसी का पेमेंट नहीं, और आज भी कुछ लोगों का पैसा जमा करके, कलेक्शन जमा करके पेमेंट लोकल स्तर पे किया जा रहा है। तो जैसा आपने शिकायत की है कि आपके साथ में गलत व्यवहार किया जाता है। हाँ, ये सारी और द्वेष रख के बात की जाती है। ये बोला जाता है कि हम आपको पेमेंट ही नहीं दे सकते, आपको जो करना है कर लीजिए। इसलिए मेरे को मजबूरन वश इनके खिलाफ में शिकायत करना पड़ रहा है। परंतु नारंग मैडम जो है वहाँ पे, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि आप ऑफिस में जाके धमकी देते हैं। ये निराधार है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं, मेरे द्वारा डिमांड लगाई गई है और मैच्योरिटी की मांग की गई है, तो वही बोला जा रहा है कि मैं आपको पेमेंट नहीं दे सकती, जब फंड की व्यवस्था होगी तभी दे सकती हूँ, नहीं तो नहीं दी जाए। और ईश्वर्य और देश रख रहे हैं, इसलिए ऐसा बात कर रहे हैं। और उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि पूर्व में आपको राशि और दी गई है बीच में? नहीं, अभी कोई बीच में राशि मेरे को दी नहीं गई है। नहीं दी गई है, तो और क्या कहा जाता है उनके द्वारा आपको? कि फंड की व्यवस्था होगी तभी आपको राशि की व्यवस्था हो पाएगी, नहीं तो हम दे नहीं पाएंगे। जब तक फंड अवेलेबल नहीं होगा तब तक हम आपको किसी प्रकार की राशि नहीं दे सकते। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की है? मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व में की गई, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लांजी में की गई है, और जिलाधीश महोदय बालाघाट में, और पुलिस अधीक्षक बालाघाट और थाना प्रभारी में की गई है। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं चाह रहा हूँ कि मेरा भुगतान शीघ्र से शीघ्र कर दिया जाए बस, और इस का निराकरण शांतिपूर्ण से हो जाए तो बहुत अच्छा होगा।